सलमान खान शाहरुख खान सबकी छुट्टी हो गई भाई। सच कह रहा हूँ मैं, शाहरुख खान सलमान खान की ऐसी पिक्चर नहीं बना सकते ना। बोल सर कैसी थी फिल्म? अच्छी फिल्म थी सर, इंटरटेनिंग थी, काफ़ी मज़ेदार रही। मतलब मुझे तो ओवरऑल फिल्म में मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा। मतलब एक फुल ऑन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म है। मैं समझता हूँ आप इस फिल्म को थिएटर में जाके अगर देखते हैं तो ही आपको मज़ा आएगा प्रॉपर, क्योंकि ये फुल ऑन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वाली फिल्म है। एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस बताएं फिल्म के अंदर वो काफ़ी मज़ेदार हैं। मतलब आप देखेंगे तो मतलब आपको समझ में आएगा कितने डीपली काम किया गया। एक्शन सीक्वेंसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना पैसा खर्च किया गया है। और वाकई में फिल्म देख के आपको फील होता है कि 500 करोड़ के बजट में बनाया गया है। अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि 500 करोड़ के बजट में और वाकई में एक एक्शन फिल्म को बनाया गया है। बहुत मुश्किल होता है, जिस प्रकार से जितना डिटेलिंग में काम किया गया है, मतलब सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस की बात नहीं करूँगा क्योंकि देखिए क्या होता है एक्शन सीक्वेंसेस को बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, इस वजह से मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा कहानी की भी अगर बात करें तो कहानी पर भी काफ़ी डिटेल में काम किया गया स्क्रीन प्ले पे, क्योंकि ये एक अडाप्टेड स्क्रीन प्ले, हम सभी जानते हैं पीएस जो है पोन्नैयिन सेल्वन जो है वो एक नॉवेल्स है ना, मतलब चार किताबों का नॉवल है वो, तो उस नॉवल को ऊपर अडाप्ट किया गया, तो उसका मतलब स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है तो अडाप्टेड स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया लिखा गया। जिस प्रकार से किरदारों को स्क्रीन के हिसाब से तैयार किया गया वो काफ़ी बढ़िया है, वो काफ़ी मज़ेदार है, तो वो देख के मज़ा आता है देख के प्रॉपरली। एक्टर्स का काम अच्छा है, चियान विक्रम का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, जयाम रवि भी अच्छे लगे हैं, कार्तिक का काम ज़्यादा बेहतर लगा मुझे, काफ़ी बेहतर कार्तिक का काम लगा। उसके अलावा अगर आप बात करें तो त्रिशा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, ऐश्वर्या राय जो है उनकी भी एक्टिंग अच्छी है, तो ओवरऑल मज़ा आता है। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने अगर हॉलीवुड शो अगर आपने देखा हो HBO पे जो आया करता था पहले, काफ़ी पहले आप HBO तो नहीं, थोड़ी दूसरे चैनल पे आया करता था, स्टार पे आया करता था गेम ऑफ थ्रोन्स, तो आपको उसकी याद आ जाएगी, गॉड की याद आ जाएगी बिल्कुल एक तरह से, मतलब क्योंकि वो फैमिली ड्रामा इसमें भी क्रिएट हो रहा है और वो क्या है कि वो राज्य के लिए और वो सारी चीज़ें हो रही है, फैमिली ड्रामा ओवरऑल, तो वही थोड़ी सी फीलिंग आती है गेम ऑफ थ्रोन्स वाली। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस ह्यूज स्केल पर बना, जितने महंगे बजट में गेम ऑफ थ्रोन्स बनता है उसी प्रकार से महंगे बजट पे ये भी बना है, तो मजा आ जाता है PS1 बिल्कुल देखने लायक। 5 में से मैं जो है फिल्म को 4 स्टार दूंगा, मुझे काफी अच्छी